दोस्तों, इस दुनिया में 7.8 अरब लोग रहते हैं। ऑफिशियली 195 देश हैं। मजे की बात तो यह है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है दिखने में, तो रीति रिवाज भी अलग होंगे और उनकी शादियां भी। तो हमने तय किया क्यों ना आपको कुछ ऐसे ऐसे शादी के ट्रेडिशंस के बारे में बताएं जो बेहद दिलचस्प हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर हंसना ही मना है। यहां पर कोई हंस नहीं सकता। बात यह है कि कांगो देश, जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है, वहां पर नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता, ना तो लड़का ना लड़की। हमारे देश में अगर शादी के दिन ना हंसो तो लोग कहते हैं लड़का लड़की खुश नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन कांगो में उल्टी गंगा ही बहती है। इस देश में शादी के समय इसलिए लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते। जी हाँ, यही वजह है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल भी हंसने की आजादी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि यहाँ पर शादी के समय कोई कुछ बात नहीं करता क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अब हम आपको एक ऐसे रीति रिवाज को दिखाते हैं जो मनाई जाती है स्कॉटलैंड के लोगों के द्वारा। यहाँ पर शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से रंग दिया जाता है। जी हाँ, अगर यही काम हमारे देश में हो तो क्या ही हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है। स्कॉटलैंड में शादी करने वाली लड़की के साथ बहुत गलत तरीके से काले रंग से उसे ऊपर से नीचे तक रंग दिया जाता है। कहते हैं इसमें उसके दोस्त ही शामिल होते हैं। आपको बता दें, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर उसे कोई बेइज्जत करे तो वो मेंटली तैयार रहे। जी हाँ, इनका मानना है कि जब काले रंग से किसी लड़की को पोत दिया जाता है तो उनमें सहने की क्षमता बढ़ जाती है, और ऐसे में शादी के बाद उन पर कोई टोंट मारता है ना तो वो उसे झेल लेती है। क्या बात है। नंबर 3, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है। जी हाँ, ये सच्चाई है, और इस देश का नाम है केन्या। आपने केन्या में मसाई ट्राइब के बारे में सुना होगा। अगर आप इनकी शादी के बारे में जान जाएंगे तो समझिए आपका शादी के ऊपर से यकीन कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको शादी से डर लगने लग जाएगा। मसाई ट्राइब में जब किसी लड़के की शादी लड़की से होती है तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी चॉइस की लड़की से शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात, शादी के दिन लड़की के बालों को काट दिया जाता है। जी हाँ, लड़की को टकला कर दिया जाता है, और उसके बाद लड़की के पिताजी लड़की के मुंह पर और चेस्ट पर थूकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हर देश की अपनी अपनी सोच है यारा। नंबर 4, चीन देश की तो बात ही अलग है। अब हम आपको बताते हैं इस देश में किस तरह से शादी से एक महीने पहले एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है। यहाँ का नियम है कि हर लड़की को अपनी शादी के ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे तक रोते ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर लड़की को इस नियम को फॉलो करना है। आपको बता दें, जो इस नियम को नहीं मानते उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि किस दिन पहले लड़की के साथ उसकी माँ और घर की बाकी महिलाएं भी रोने लग जाती हैं। कहा जाता है कि आप जितनी मर्जी मस्ती कर लो, लेकिन 1 घंटे आपको खूब रोना है। क्या बात है, इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक। दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बस इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत ना पड़े। इंडिया में 1 महीने पहले अगर लड़की ने रोना शुरू कर दिया तो शादी तोड़वा देंगे, है ना? नंबर 5, हम आपको बताते हैं साउथ कोरिया में शादी के दिन क्या होता है। यहाँ भी लड़के को ही शिकार बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, कोरिया में इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि फर्स्ट नाइट में किस तरह से लड़का अपनी वाइफ के सामने परफॉर्मेंस देता है। यही वजह है कि यहाँ पर लड़के को कुर्सी से बांध दिया जाता है, उसके बाद उसके फीट पर डंडे से पिटाई की जाती है। कहा जाता है कि इसलिए भी जरूरी है ताकि लड़का जो कर रहा है वो फर्स्ट नाइट का पेन खुद भी झेल सके। कई बार समझ में नहीं आता है कि दुनिया में किस तरह के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं यार। नंबर 6, अब हम आपको बताते हैं रोमानिया में शादी से ठीक पहले क्या होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर लड़कियों को शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। आपको लग रहा होगा ये क्या बात हुई, लेकिन सच्चाई यही है। यहाँ पर लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उसके होने वाले हस्बैंड से डिमांड की जाती है कि आप बदले में कुछ चीज हमें दे। ये तब होता है जब शादी के सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि लड़का अपनी होने वाली पत्नी को छुड़ाने के लिए जाता है और सबको पार्टी देता है।
पार्टी में शानदार खाना खिलाया जाता है और उसके बाद लड़का सबके सामने डांस करके भी दिखाता है। माना जाता है कि इसलिए होता है ताकि चेक किया जा सके लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। अच्छा है हमारा देश यार, क्योंकि लड़के की जो सालियां होती है वो जूते चुराकर खुश हैं। नंबर 7, आपको बता दूं कनाडा की बात ही अलग है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही फूल लविंग होते हैं। यहाँ के लोग अपनी शादी के दिन सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देते हैं। इस परफॉर्मेंस में लड़की की तरफ से भी लोग होते हैं और लड़के की तरफ से भी। कहा जाता है इसमें इन्हें इनवाइट किया जाता है जो कि लड़के और लड़की से उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी अब तक नहीं हुई होती है। लगता है अनमैरिड लोगों को बेइज्जत करने के लिए इस तरह का इवेंट रखा जाता है। क्या बात है, कहते हैं इसमें जमकर डांस किया जाता है और जमकर पार्टी होती है। नंबर 8, फ्रांस देश में भी शादी को लेकर बहुत ही अजीब सी परंपरा निभाई जाती है। इस देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शादी के दिन लड़कों से कहा जाता है कि आपको खूब सारा अल्कोहल पीना है, लेकिन ग्लास ऐसे देते हैं टॉयलेट की शेप में, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आप अल्कोहल नहीं बल्कि कुछ और ही पी रहे हैं। ये ट्रेडिशन आज भी फ्रांस में कई जगहों पर फॉलो किया जाता है। जो नहीं पीता है उसे कहा जाता है तुम्हारी शादी पर शैतान की नजर है। नंबर 9, अब हम आपको बता दें चाइना में शादी के दिन 3 दिनों तक क्या होता है। जी हाँ, या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 दिन तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन आपको हम बताते हैं चीन में क्या होता है। यहाँ पर एक रिवाज है, जिसकी भी शादी होती है ना उसे अपनी वाइफ के साथ शादी के 3 दिनों तक टॉयलेट यूज नहीं करना होता। सोचिए ये किस तरह की बात हुई। कहते हैं कि ये ट्रेडिशन चीन के कई एरिया के लोग फॉलो करते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो इसे फॉलो नहीं करता इसका मतलब ये कि आपकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। बाथरूम नहीं जाने से यार आपकी शादी बच जाएगी? ये क्या बात हुई यार। नंबर 10, हम आपको बताते हैं जर्मनी देश में शादी को लेकर क्या रीति रिवाज है। यहाँ पर लड़के और लड़की के फैमिली वाले लोग एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर पड़े सभी प्लेट और ग्लास को तोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद न्यूली मैरिड कपल्स को इसे साफ करने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लड़का और लड़की आपस में मिलकर घर की सफाई करना सीख ले। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।